हिमाचल के निर्माता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की जयंती पर सिरमौर कल्याण मंच द्वारा चिल्ड्रन पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर यशवंत सिंह परमार की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस सिरमौर कल्याण मंच के पदाधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सोलन के सभी नागरिकों ने उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की शपथ ली। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि यशवंत सिंह परमार प्रदेश को पहचान दिलाने के लिए जहां एक और इतिहास बदला, वहीं उन्होंने भूगोल को भी बदल कर रख दिया, जिसकी सबसे बड़ी वजह एक ही थी। वे चाहते थे कि हिमाचल की सुंदरता, यहां के लोगों की सहजता और भोलापन कहीं समाप्त ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ऐतिहासिक बदलाव किए। उन्होंने कहा कि उनकी योग्यता और दूरदर्शिता की वजह से हिमाचल का निर्माण हो पाया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल वासियों के लिए इससे अच्छा दिन और कोई भी नहीं हो सकता है। इस मौके पर उन्होंने जिला और प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि युवा उनके योगदान को जाने और उन्होंने प्रदेश के लिए क्या योगदान दिया है वह समझें और उनके द्वारा दिखाए गए पथ पर चलने का प्रयास करें। आज का दिन मैं समझता हूँ हिमाचल के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जब हम हिमाचल निर्माता डॉक्टर YS परमार की जयंती हम मना रहे हैं, आज ही का दिन सन 1906 में डॉक्टर YS परमार का जन्म जिला सिरमौर के चनालक गांव में जो है उनका जन्म हुआ था। और वो जन्म से ही मेधावी थे, होनहार बीमार के हो चीखने पार, बचपन से ही उनके अंदर वो गुण दिखाई देने लग पड़े थे जिनसे ये विश्वास होता था कि आगे चल कर के ये व्यक्ति बहुत महान बनेगा। और निश्चित ही ऐसा ही हुआ। उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे। उनका सबसे बड़ा अवदान, उनका सबसे बड़ा योगदान आज जिस हिमाचल में रहने के लिए, जिस हिमाचल का वासी होने के नाते हम लोग गर्व करते हैं, तो ये गर्व अगर हम करते हैं तो हम डॉक्टर YS परमार की वजह से करते हैं। डॉक्टर YS परमार ना होते तो हिमाचल ना होता। वो एक ऐसी महान शख्सियत थे जिन्होंने इतिहास को तो बदला ही बदला, नया इतिहास लिखा ही लिखा, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने भूगोल भी जो है वो बदल करके रखी। और ये उन्हीं की शख्सियत थी, ये उन्हीं की योग्यता थी, ये उन्हीं की दूरदर्शिता थी जिसके कारण से जो है वो हिमाचल का निर्माण हो पाया। और हिमाचल का निर्माण भी करने के पीछे जो है उनकी जो सोच थी, उनकी सोच ये थी कि हमारी कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं हैं और हमारे, हम जो पहाड़ी लोग हैं, हमारी भी कुछ स्वभावगत हमारी कुछ विशेषताएं हैं, हमारा भोलापन, हमारी ईमानदारी, इन सब गुणों के ऊपर वो गर्व भी करते थे। और उनका ये मानना था कि भाई ये हमारी जो संस्कृति है, पहाड़ी संस्कृति, और हमारे लोगों की जो स्वभावगत जो अच्छाइयाँ हैं ये बनी रहनी चाहिए। और अगर मान लीजिए अलग से एक राज्य का निर्माण जो है नहीं होता, हिमाचल राज्य, पहाड़ी राज्य का निर्माण नहीं होता, तो शायद ये विशेषताएं कहीं ना कहीं जो है वो खो जाएंगी। इसलिए मैं समझता हूँ आज का दिन जो है वो हिमाचल वासियों के लिए इससे महत्वपूर्ण दिन जो है वो हो ही नहीं सकता। और आज के दिवस पर मैं डॉक्टर YS परमार को और उनके परिवार को मैं श्रद्धासुमन भी उनको मैं अर्पित करता हूँ। और संपूर्ण हिमाचल प्रदेश के वासियों को, अपने जिला के वासियों को मैं बहुत बधाई भी देना चाहूँगा उनके जन्मदिवस की। आइए इस दिन हम सब लोग जो हैं उनके योगदान को हम लोग याद करें और हिमाचल निर्माता इस नाते जो शख्सियत पूरे विश्व में जानी जाती है, उनके योगदान को पहचान करके उनके जीवन में और भी अधिक जानने का हम प्रयास करें। और जिस हेतु हिमाचल का निर्माण करने के लिए वो अग्रसर हुए थे, उस हेतु को भी हम जानने का प्रयास करें।